नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टुडे 24 न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूं एक शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों FMCBG और G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के डिप्टी FCBD की तीसरी बैठक कल से गुजरात के गांधीनगर में होगी। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों FMCBG की तीसरी बैठक 17 से 18 जुलाई 2023 के दौरान गुजरात के गांधीनगर में होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर डॉ शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से करेंगे। G20 FMCBG की तीसरी बैठक फरवरी 2023 में आयोजित G20 की पहली FMCBG बैठक के दौरान प्राप्त जनादेश के आधार पर G20 फाइनेंस ट्रैक के विभिन्न कार्यधाराओं के तहत 2023 में G20 फाइनेंस ट्रैक से प्राप्त कई प्रमुख व्युत्पन्नों पर काम की परिणति का प्रतीक है। G20 FMCBG की बैठक से पहले 14 से 15 जुलाई 2023 तक G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक होगी, जिसकी सह अध्यक्षता श्री अजय सेठ सचिव आर्थिक कार्य और डॉक्टर माइकल डी पात्रा डिप्टी गवर्नर RBI करेंगे। प्रतिनिधियों की बैठक का केंद्र बिंदु FMCBG के विचारत परिणाम दस्तावेज पर चर्चा करना होगा। यह परिणाम दस्तावेज G20 वित्त ट्रैक की विभिन्न कार्यधाराओं के तहत किए गए कार्य और भविष्य के लिए FMCBG का मार्गदर्शन करेगा। तीसरी G20 FMCBG बैठक में वित्त मंत्री और G20 के सदस्यों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। कुल मिलाकर बैठक में भाग लेने वाले लगभग 520 प्रतिभागी प्रतिनिधि मंडल होंगे। बैठक 17 से 18 जुलाई 2023 को 5 विषयगत सत्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य, संधारणीय वित्त और अवसंरचना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन शामिल है। तीसरे G20 FMCBG का उद्देश्य G20 वित्त ट्रैक के परिणामों की समीक्षा करना और भविष्य के लिए मंत्री और गवर्नरों से मार्गदर्शन करना है। मंत्री और राज्यपालों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमुख प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ साथ MDV को सुदृढ़ करने के लिए G20 स्वतंत्र विशेषक समूह के रिपोर्ट का खंड 1 कॉमन फ्रेमवर्क के अंतर्गत देशों के लिए ऋण शोधन में प्रगति, क्रिप्टो संपत्ति के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए विश्व स्तरीय समन्वित कार्य ढांचे को विकसित करने हेतु मार्गदर्शन नोट, देश के कोने कोने तक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने हेतु सिफारिशें, भविष्य के शहरों के वित्त पोषण के लिए सिद्धांत शामिल है। बैठक के दौरान G20 देशों के आगंतुक मंत्रियों, गवर्नरों, प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिनिधि मंडलों के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इनमें भविष्य के शहरों के लिए वित्त पोषण और वित्त पोषण तंत्र और दृष्टिकोण का लाभ उठाने पर अवसंरचना, निवेशकों की वार्ता, कर चोरी, भ्रष्टाचार और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए उच्च स्तरीय पर संगोष्ठी, क्रिप्टो संपत्ति पर गोलमेज चर्चा, MDV को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर गोलमेज चर्चा, इंटरलिंकिंग फास्ट पेमेंट सिस्टम FPS पर कार्यशालाएं और उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास के अनुकूल जलवायु कार्यवाही और वित्त पोषण प्राप्त करना शामिल है। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों उनके प्रतिनिधि मंडलों के लिए रात्रि भोज पर संवाद और विशेष रूप से तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भारत के विविध व्यंजनों और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। G20 प्रतिनिधि मंडलों के लिए दिनांक 19 जुलाई 2023 को गुजरात भ्रमण की भी योजना बनाई गई है, ताकि उन्हें व्यावसायिक राज्य गुजरात का आनंद लेने का अवसर प्रदान किया जा सके। इनमें अहमदाबाद शहर, पाटन और मोढेरा और केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्देशित दौरे शामिल हैं। इस महीने की 17 और 18 तारीख को गांधीनगर गुजरात में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और माननीय सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास करेंगे। भारत में जो पहली मीटिंग वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की हुई थी फरवरी में बेंगलोर शहर में, वहां पर इस वर्ष में भारत की G20 अध्यक्षता के वर्ष में किन प्राथमिकताओं पर काम किया जाएगा उसके बारे में विचार हुआ था, उसके बारे में निर्णय हुए थे। फरवरी से अब तक
इस पर काफ़ी सुदीर्घ काम किया गया है, जिसमें सभी G20 देशों के लोगों ने उसे पार्टिसिपेट किया, उनके विशेषज्ञों ने पार्टिसिपेट किया, और उसका जो परिणाम है वो इस तीसरी बैठक में गांधीनगर में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके ऊपर चर्चा होगी, निर्णय होंगे, और आगे के समय पर इस को किस तरह से आगे ले जाना है इसके बारे में भी चर्चा और निर्णय होंगे। इस मुख्य बैठक के पहले 14 और 15 तारीख को फाइनेंस डेप्यूटी और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी, इनकी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग की अध्यक्षता सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स और डिप्टी गवर्नर RBI करेंगे। मुख्य तौर पे डेप्टीज की मीटिंग में जो की डिलीवरेबल्स हैं, जो मुख्य परिणाम प्रस्तुत किए जाने हैं वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के सामने, उसके ऊपर चर्चा होगी, और इसके पहले चर्चा होगी कि जो एक आउटकम डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है उसके ऊपर में एक सहमति बनाई जा सके। ये उम्मीद है कि 520 से ज़्यादा प्रतिनिधि, जिसमें G20 देशों के वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, डेप्टीज भी शामिल हैं, 66 डेलीगेशंस के रूप में वो इसमें सम्मिलित होंगे। वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की इस मीटिंग को 5 थीमेटिक सेशंस में इसकी व्यवस्था की गई है, और ये 5 थीमेटिक सेशंस हैं। पहला, ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल हेल्थ के बारे में। दूसरा, सस्टेनेबल फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तीसरा, वैश्विक स्तर पे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर किस रूप में हो इसके बारे में है। चौथा, वैश्विक स्तर पे टैक्सेशन की व्यवस्था। और पांचवा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल सेक्टर के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में है। इन 5 सत्रों में जो मुख्य दस्तावेज और रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाएंगी, उसमें से कुछ मुख्य हैं जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी में एक G20 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप की व्यवस्था की गई थी कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, उसकी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, और इस ग्रुप का को कन्वीनर मिस्टर NK सिंह और प्रोफेसर लैरी समर्स हैं। दूसरा की डिलीवरेबल है कि जो देश कर्ज से के भार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके डेट ट्रीटमेंट को कॉमन फ्रेमवर्क में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तीसरा की डिलीवरेबल है कि एक प्रेसिडेंसी का नोट जो क्रिप्टो एसेट्स के बारे में वैश्विक स्तर पर किस तरह से रेगुलेशन हो, किस तरह से सुपरविजन हो इसके बारे में। चौथा, कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी गेन्स को लाया जा सकता है, इसके बारे में की डिलीवरेबल है। और पांचवा, कि फाइनेंसिंग ऑफ सिटीज ऑफ टुमारो, इसके लिए क्या सिद्धांत इस्तेमाल किए जाने चाहिए, इसके बारे में पांचवा की डिलीवरेबल है। 14 से और 17 तारीख तक की जो ये मीटिंग है, इसके साथ ही साथ कुछ साइड इवेंट्स भी प्लान किए गए हैं, और इन साइड इवेंट्स में पहला है जो गिफ्ट सिटी गुजरात में आयोजित किया जाएगा, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर डायलॉग, और वहाँ पर चर्चा होगी कि किस तरह से हम फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और फंडिंग मैकेनिज्म को की तैयारी करें, और उसके लिए सिटीज़ फाइनेंसिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो, उनके लिए क्या अप्रोचेस हो सकती हैं इसके बारे में है। दूसरा साइड इवेंट है एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल टैक्स सिंपोजियम ऑन कॉम्बेटिंग टैक्स इवेजन, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तीसरा साइड इवेंट है एक राउंड टेबल है क्रिप्टो एसेट्स के बारे में, कि उनका ऊपर किस तरह से पॉलिसी बने और साथ ही साथ किस तरह से रेगुलेशंस बने। चौथा साइड इवेंट है एक राउंड टेबल जो G20 एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग MDBs, उसके बारे में एक राउंड टेबल है। साथ ही साथ 2 वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिसमें से पहली वर्कशॉप है
विभिन्न देशों के जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जिस प्रकार से भारत में UPI है, इनका इंटरलिंकिंग कैसे करी जा सके। एक और दूसरी वर्कशॉप बने जिसका आयोजन किया जा रहा है कि हम किस तरह से ग्रोथ फ्रेंडली क्लाइमेट एक्शन की व्यवस्था करें, साथ ही साथ किस तरह से हम इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये क्लाइमेट एक्शन के बारे में फाइनेंसिंग कर सकें। इन मीटकों के अलावा एक रात्रि भोज पर संवाद का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक क्यूरेटेड कल्चरल प्रोग्राम्स भी शामिल हैं और जहां पर भाग लेने वाले सभी डेलीगेट्स को, जो भारत की एक डाइवर्स क्विजीन है और कल्चर है, इसके बारे में उसका वहां पर एक झलक उन्हें होगी, उसका वो आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ 19 तारीख को, 19 जुलाई को जब ये मीटिंग पूरी हो जाएंगी, तो कुछ भ्रमण की भी व्यवस्था की गई है कि वो वाइब्रेंट गुजरात का एक नज़ारा देख सकें, वहाँ के उसका एक आनंद ले सकें। और उसमें ये जो एक्सकर्शंस प्लान किए गए हैं, उसमें अहमदाबाद शहर, पाटन, मोदेरा और स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में जो है, उसके बारे में भी भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।